आज़म इमरान ख़ान साहब की हदायत पर सारी कौम के सामने रखना चाहता हूँ और उन्होंने ये मुझे टास्क सौंपा है कि सारे मुल्क में जो ऑयल की स्मगलिंग है पेट्रोल पंपों पर वो 7 दिन के अंदर ख़त्म कर दी जाए। 7 दिन के अंदर पाकिस्तान में किसी जगह भी स्मगलिंग का पेट्रोल ऑयल नज़र ना आए। और वज़ीर आज़म साहब ने आज ख़ास तौर पर FBR ठीक ही कह रहा हूँ ना, FBR को जो काफ़ी उनकी तारीफ हुई है कि मोबाइल फ़ोन में उन्होंने $2 बिलियन बचाए हैं और बिलियन रुपीज़ उन्होंने इस मुल्क की जो टेक्सटाइल चली है वो स्मगलिंग पर काबू पाने की वजह से चली है और स्मगलिंग कम हुई है, जो पाकिस्तानी गारमेंट्स और प्रोडक्ट्स और सारा सामान बिकना शुरू हुआ है। सो इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है, सेक्रेटरी इंटीरियर और मुझे वज़ीर आज़म साहब ने ये हुक्म दिया है कि मिनिस्टर इंटीरियर सारे मुल्क में 7 दिन के बाद कंपेन चलाई जाएगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी और प्रिंट मीडिया पे भी, ताकि जहां लोग देखें कि चोरी का स्मगल शुदा 2 नंबर का पेट्रोल जो है, जिससे सारी पाकिस्तान की गाड़ियां तबाह हो रही हैं, पानी मिला पेट्रोल बेच रहे हैं। सो वजारत दाखिला अपने तमाम चारों चीफ सेक्रेटरियों को भी, क्योंकि अब 8 दिन हो गए हैं, बुध के दिन आज बुध पूरी हो गई है, सो वज़ीर आज़म साहब ने ये ख़ास तौर पर हुक्म जारी किया है कि 7 दिन के अंदर अंदर सारे पेट्रोल पंप, सारे वो जो गैर कानूनी नजायज़ स्मगल शुदा पेट्रोल बेच रहे हैं, वजारत दाखला उनके पेट्रोल पंप भी बंद कर देगी और उसके बाद उनको पेट्रोल का काम करने की कभी इजाज़त नहीं होगी।